नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद, यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBM के यू धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCOM, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC NET, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश के विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096305। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के जीतपुर में दलित नाबालिग युवती के साथ घटित सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सिमरन खातून पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपनी मां के साथ न्याय के लिए थाना पहुंची। नाबालिग युवती के बयान पर जोड़ा पोखर थाना में सिमरन खातून सहित 5 पर मामला दर्ज है, जिसमे सुनील यादव सहित एक अन्य जेल में है। तीनों आरोपियों में पूर्व मंत्री के रिश्तेदार महेंद्र यादव, सिमरन खातून और अनिल ठाकुर पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को बचाने और पीड़िता की मां को पैसा देने का आरोप है। पीड़िता की मां ने बताया कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा की संध्या में उसकी बेटी के साथ घटना हुई थी। उसके बाद आरोपियों को बचाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए जानबूझकर 2 दिनों तक लीपा पोती करते हुए मुझे थाना नहीं जाने का दबाव बनाया जा रहा है। महेंद्र यादव ने सुनील यादव अन्य से पैसा लेकर सिमरन के साथ पैसा देने आया था और जबरन कागज पर अंगूठा लगाकर फोटो वीडियो बनाया था। ज्ञात हो कि 17 सितंबर की घटना के बाद 19 सितंबर को DSP सिंदरी के आदेश पर पीड़िता के बयान पर कांड संख्या 194/21 दर्ज किया है। 2 दुष्कर्म के आरोपी सुनील यादव को जेल भेज दिया गया है। कांड के अनुसंधान कर्ता मुकेश राउत ने अन्य आरोपियों को नहीं पकड़ा है, जिसके बाद पीड़िता पर केस उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। घर में थे सर, मम्मी पापा बहन लोग सब घर में थे और वो सर अपना घर से फल को पूरा गरिया रहे थे सर। तो मम्मी बोला सिमरन हम लोग को पूरा गरिया रहा और गरिया रहे थे, तो बोला क्या तुम इसको केस नहीं करोगे फल को सबको मार दिया जाएगा। ऐसे ऐसे घर से कह रहे थे, बोले मार देंगे जान से केस नहीं उठाएंगे। तो सर हम लोग घर भी आए थे। हाँ सर, वो अपने आके क्या कर रही थी आके सर, फोन मेरा मम्मी को झोटी पकड़ के सब बहन को मारने लगे मिलकर। कौन कौन मारने लगा? सिवन खाते ना उसका ममता है, उसका बेटी सर। और मम्मी लोग को मारने लगा तो बोला केस बोला कौन रंडी कोई केस करती जाओ देखो हमें। मतलब आप सब करके गाली गलौज करते हो? केस उठा के गाली भी दिया सर, सब पर गाली भी गंदा है। तो लोग बोले जा रहा हूँ, बोले मम्मी चलिए हम लोग केस कर लेंगे थाना, तो देखिए हम लोग उल्टा केस लगा दे रही है। तो फिर थाना है तो क्या हुआ? हम लोग थाना आ गए सर। थाना है तो क्या हुआ? थाना है तो वही सब बोले सर उनको, सर देखिए मेरा घर ऐसे सब बात हुआ, सेवा नौ पूरा गंदा गंदा लग किया है, गाड़ी जूता किया है और मारपीट भी किया है हम लोग साथ में। क्या चाहते हो? क्या चाहते सर? उसको पकड़ के जेल भेजवाई है जो मत आरोपी है उसको किसी भी हाल में किसी भी करके उसको पकड़ी सर, तभी तुमको इंसाफ मिलेगा।